महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बहुजन समाज के लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब से इस नागपुर नगरी को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नागपुर नगरी का नाम बाबा साहेब के नाम से जुड़ा है और दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद बाबा साहब ने नागपुर के ही चंद्रपुर में 16 अक्टूबर 1956 को बहुजन समाज के लाखों लोगों को दीक्षा दिलाई थी। तब से चंद्रपुर एक विशेष स्थान बन गया है। चंद्रपुर में लाखों लोग हर साल एकजुट होते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का जिक्र करते हैं, साथ ही उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रण लेते हैं। तस्वीरों में दिख रही है वीडियो नागपुर के चंद्रपुर की है, जहां पर भारी जनसंख्या में लोग मौजूद हैं। बाबा साहेब की अस्थि कलश नागपुर से चंद्रपुर ले जाया जा रहा है। इस दिन दूर दूर से बाबा साहेब के लाखों अनुयायी यहां पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।